हाँ मथुआ समाज पर आप उत्तर दीजिएगा, मथुआ समाज पर दीजिएगा। हालांकि उसको अलग ही ट्विस्ट दे रहे हैं रिजू जी, वो तो कह रहे हैं कि क्या आप उनको नहीं मानते हैं भारत के सिटीजन। मैं उसका उत्तर, ये उत्तर देना बहुत अनिवार्य है, करोड़ों हमारे मथुआ बंधु सुन रहे हैं, इसलिए मैं बहुत तल्लीनता के साथ इसका उत्तर देना चाहूंगा। जो रिजू जी का कहना था कि क्या हो गया, मथुआ समाज के पास तो वोटर कार्ड है, कुछ लोग सांसद भी बने, उनमें से एक सांसद भी बने हैं, वो तो सिटीजन है, आप क्या दे देंगे सीएए करके। मथुआ समाज ने इस विषय को लेकर एक चिट्ठी लिखा था, वो चिट्ठी मेरे सामने है, कुछ पॉइंट्स में गिना देता हूं। उन्होंने कहा केवल वोटर कार्ड होने से, हमने से कुछ लोगों के पास वोटर कार्ड होने से हम सिटीजन बन जाते ही उचित नहीं है। 2003 के एनआरसी में हमें रेफ्यूजी स्टेटस दिया गया है, नंबर एक। नंबर टू, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होता है। नंबर तीन, उन्हें पासपोर्ट इश्यू नहीं होता है। नंबर तीन, वो नमोशूद्र हैं, शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। गवर्नमेंट की जो बेनिफिशियरीज के ये होते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि, उनको मिलता नहीं है। पुलिस उनको बहुत हरास करती है, थाने में पिटाई करती है, और उन्होंने लिखा है कि हमें फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत बहुत ज्यादा रिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। इसलिए मां बिना पानी देवी ने 2016 में, 102 साल की थी मां बिना पानी देवी, सबकी लीडर थी मथुआ समाज का, उन्होंने ममता जी से कहा था या तो आप हमें सिटीजनशिप दीजिए या तो मोदी जी देंगे, जो हमें सिटीजनशिप देगा हम उनके साथ खड़े होंगे। मोदी जी को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और ममता जी हाँ बोलते हुए भी मुकर गई, सीए के साथ खड़ी नहीं रही, इसलिए उन्होंने अभिशाप दिया था कि आपकी समाप्ति होगी। और मैं आज कहूंगा माँ बिना पानी देवी की ही अभिशाप के कारण आज टीएमसी हाफ हुई थी 2019 में, और आप देखिएगा 2021 में टीएमसी संपूर्ण रूप से समाप्त होगी। जी ठीक है, मुझे लगता है कि गौरव वल्लभ जी एक बार बोले उसका, रिजू जी आप इसका जवाब दीजिए। गौरव वल्लभ जी इसके बाद फॉरन आऊंगी, अंजना फॉरन आऊंगी। अंजना जी मुझे 120 सेकंड दे दीजिएगा बस। आपने सबसे पहले कहा कि आप बंगाल क्यों नहीं आ रहे, मैं आपसे पूछता हूं अंजना जी, आइए ना गुवाहाटी, कामाख्या के दर्शन करके जोरहाट में करते हैं अल्लाह बोल, आपको पता चल जाएगा असम में क्या हो रहा है। दूसरी बात अंजना जी, दूसरी बात रूपा गांगुली जी कितनी दुखी थी, मेरे से उनसे उनका दुख ही नहीं सहा जा रहा। उन्होंने कहा हिंदू कहाँ जाए, रूपा गांगुली जी श्रीलंका के हिंदू कहाँ जाए, म्यांमार के हिंदू कहाँ जाए, दुख मेजर करते हैं उसी थर्मोमीटर से राहुल गांधी जी का दुख मेजर किया, कितना दुखी है राहुल गांधी। मत बोलो जोकर जोकर, नो जोकर, रूपा गांधी जी का दुख देख लिया आपने, कौन सा थर्मो, अरे सुनो तुम दो, राहुल गांधी सबसे बड़ा जोकर है, तुम्हारा सबसे बड़ा जोकर राहुल गांधी है, ये चिल्ला रहा था, ये बदतमीज आदमी चिल्लाता है तो कुछ नहीं है, इसके बीच में जब इसी की गोली दी जाती है, चुप हो जाओ। मैंने उनको भी टोका था, मैंने उनको भी टोका था, ये कांग्रेस प्रवक्ताओं को यही इंजेक्शन लगना चाहिए, जब ये हमारे बीच में चिल्लाते हैं तो इनको लगता है इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और जब आप आपके बीच में आप ही की इंजेक्शन हम आपको देते हैं तो आप गाली गलौज शुरू कर देते हो। नहीं सुनिए सुनिए, हाँ बिल्कुल चुप हो जाइए, वैसे भी इलेक्शन में आप लोग चुपी हैं, चुप ही रहिए, और सुनिए आप नॉनस्टॉप दूसरे के बीच में चिल्लाते हैं, आप दूसरों को बोलने देते नहीं हैं, उस समय आपको सब कुछ सही लगता है, जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है आप ही वाला, तो आपको सब जोकर नजर आते हैं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जोकर कोई है। ठीक है संदीप जी, हो गया, हो गया, आपने अपनी बात कह दी, अब उनका जवाब आने दीजिए, अब उनका जवाब आने दीजिए प्लीज संदीप जी। फिर संदीप जी इनसे जोकर कलकत्ता कब आएगा, हो गया जोकर कलकत्ता कब आएगा। इन्होंने फिर बोला कि अब प्रोफेसर साहब बोलिए, प्रोफेसर साहब इन्होंने कहा, इन्होंने कहा अजमल सर, अजमल जी की बात करी, संबित भैया अजमल जी के साथ आप चुनाव लड़े हो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, अभी 2 साल पहले उनकी गोद में बैठे थे कि चरणों के नीचे छुप के बैठे थे, उनके वोट लेके आपके लोग राज्यसभा पहुंचे, आप कहां बैठे हुए हो, आपको आप कहां बैठे हुए हो, हम कोई चुनाव अजमल साहब के साथ, अजमल हम कोई चुनाव अजमल के साथ नहीं लड़े हैं, बद्रुद्दीन के साथ नहीं लड़े, ओवैसी के साथ भी थे, बद्रुद्दीन अजमल नाम है उनका, हाँ बद्रुद्दीन अजमल, बद्रुद्दीन अजमल मैंने चेंज कर दिया, बद्रुद्दीन अजमल मैडम इस तरह की बदतमीजी आप ही करते हैं, बदतमीजी आप करते हैं, संबित भैया ऐसे बोलते हो आप कैसे लग रहा है, संबित प्लीज सब चिल्ला रहे थे तो कैसे लग रहा था, आप लोगों को ऐसे करके सिखाना पड़ेगा, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले कॉलेज से एमबीबीएस की है क्या भैया, नहीं 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 ऐसे तो ना बोला करूं, नहीं 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 इटली से बताऊंगा नहीं कौन से दुकान से आए, जो दुकान मैं बताऊंगा नहीं इटली का वो दुकान,
कैसे अरे कैसे जहां लोग हैं सोनिया जी थी फिर वहां से अंजना आया जी, हूं बीच में मैं, सुनने चिंता मत दीजिए करो। अंजना जी, आप मेरा हाँ मेरा समय इन्होंने लिया, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा। फिर इन्होंने कहा तमिलनाडु पे क्यों समय भाई, लिया, एक तमिलनाडु दे पे दीजिए इनको, 10 घंटा दीजिए क्यों नहीं इनको कर रहे, असम में आके चुप्पी साधे, दही जम गया मुंह पे, क्यों नहीं बोलते, बोलो आज शो पे कि अरे असम सब में करेंगे, अरे लागू ये करेंगे, दही, ये क्योंकि आजकल कांग्रेसियों का दही बड़ा फेवरेट बन गया डिश, कमाल दही कमाल जम गया, दही जम गया मुंह में करते रहते हैं, दही खाओ, मिजाज ठीक रहेगा। अरे कमाल का जोकर तो राहुल गांधी है, वैसे जोकर कलकत्ता का आएगा ये बताओ, तुम्हारा जोकर कलकत्ता का। सीए के मुद्दे पर, सीए के मुद्दे पर जो मतुआ समाज को अपनी तरफ करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही थी, क्या सीएए के इस ऐलान से जबरदस्त झटका कम से कम मतुआ समुदाय और उनका, क्योंकि वो बहुत सारी सीटों पर प्रभाव रखते हैं, वो एक झटका नहीं है बीजेपी का ये दाव खेलना, ये पासा फेंकना, क्योंकि मतुआ समुदाय ने भी एक तरह से साफ कर दिया था कि या तो सीएए पे आप कमिटमेंट दीजिए वरना हम उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे जो कमिटमेंट नहीं देगा, बीजेपी ने दे दिया। तो अंजना जी आप तो कलकत्ता में है, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार ठाकुर नगर चले जाइए जहां पर मतुआ समुदाय है, और कल 24 घंटे पहले शांतनु ठाकुर जो बीजेपी के एमपी है उनके पिता श्री मंजूर कृष्ण ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम बीजेपी के साथ नहीं है क्योंकि इन लोगों ने हमको झांका देकर पिछली बार वोट किया था, इस बार हम इनके साथ नहीं होंगे। ये शांतनु ठाकुर के पिता श्री मंजूर कृष्ण ठाकुर ने कहा।